इस टॉपिक पे मैंने बहुत बड़ी और सेपरेट वीडियो डाली थी। बहुत पुरानी हो गई है और बहुत सारे लोगों ने वो देखी नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो फिर से बनानी पड़ी, पर स्किन के रिलेटेड जोड़ करके बनानी पड़ी। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी आप वेट लॉस की जर्नी में जाते हो, मसल बिल्डिंग की जर्नी में जाते हो, या कोई भी आपका गोल हो आप उस जर्नी में जाते हो, तो आप एक गलती करते हो, आप अपनी डाइट से ऑयल को बिल्कुल निगलेक्ट करते हो। और वही एक कारण होता है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर है, ड्राई करेगा और पिंपल्स वगैरह तो आएंगे और बहुत ज्यादा खराब करेगा। ये गलती मैं खुद कर चुका हूं, इसलिए मैं आप लोग को समझाने आया हूं। ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा होता है और ऑयल आपके लाइफ में 25% आपकी डाइट में ऑयल होना ही चाहिए, जो कि आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिसमें फैट आपका 25% होना ही चाहिए। आपकी डाइट में 25% ऑयल होना ही चाहिए। अब ऑयल का मतलब ये नहीं है कि आप तला भुना कुछ भी खाओ। ऑयल का मतलब होता है नट्स वाला ऑयल, हेल्दी ऑयल, जैसे कि कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीसमी ऑयल, बहुत सारे इंडियन ऑयल होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, कनोला ऑयल, ये सब ऑयल खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो कि बाहर की मार्केट से इंडियन मार्केट में आते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा इतना होता नहीं है जितना कि मस्टर्ड ऑयल होता है, जितना कि राइस ब्रान ऑयल होता है और जितने कि इंडियन ऑयल होते हैं। मैं सोयाबीन ऑयल को हेल्दी मानता नहीं हूँ, क्योंकि सोयाबीन ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसका ऑयल निकाला जाता है और बहुत उसके विटामिन मिनरल्स उसमें किल हो जाते। पर अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको रेगुलर बेसिस पे हेल्दी ऑयल्स खाने चाहिए, देसी घी खाना चाहिए, नट्स खाने चाहिए। आपकी स्किन को अगर ग्लोइंग रखना है तो ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे किसी भी एज कैटेगरी के हो, ऑयल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। डिनर में आपके होना चाहिए देसी घी, ब्रेकफास्ट में होने चाहिए आपके नट्स, लंच में होने चाहिए आपके फ्रूट, जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छा रखेंगे। तो ये स्किन के ऊपर का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना कि किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसके ऊपर काम करूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। बाय बाय।